भारतीय सिनेमा के नए दौर की जबरदस्त अभिनेत्री, जिसने नए कीर्तिमान स्थापित किए, अभिनेत्री क्या होती है उसके नए आयाम दुनिया के सामने रखे। नाम काजोल। काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 में हुआ। काजोल के पिता फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सोमू मुखर्जी रहे और माँ जानी मानी अभिनेत्री तनुजा। सिनेमा में क्या रखा है? फाइट, सॉन्ग, बस वही ना। काजोल समर्थ मुखर्जी परिवार से ताल्लुक रखती हैं और ये जाहिर सी बात है कि फिल्म इंडस्ट्री को इन्होंने बचपन से ही बहुत करीब से देखा। इनकी मौसी नूतन एक जबरदस्त अभिनेत्री थी। नानी शोभना समर्थ का भी बहुत नाम रहा और इनकी परनानी रतनबाई ने भी अपना एक अलग मकाम बनाया था। मैं जानती हूँ। पिता के परिवार की तरफ से महान प्रोड्यूसर सशादर मुखर्जी इनके दादाजी हुए। बचपन में काजोल बहुत शरारतें करती थीं और थोड़ी ढीठ भी थीं। बचपन में ही इन्होंने अपने माता पिता को अलग होते देखा था, लेकिन इस बदलाव ने इनकी जिंदगी पर कोई गहरा असर न रखा। इनकी माँ तनुजा का यह मानना रहा, पति पत्नी अगर झगड़े तो बच्चों के सामने नहीं, और ठीक वही इन दोनों ने भी किया। काजोल की शुरुआती पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट पंचगणी में हुई। कॉन्वेंट पे सिगरेट पीना मना है। जासूसी ने मना है। मैं मदर सुपीरियर से जाके बोल दूंगी। मैं भी उनको बोल दूंगा। बहुत ही कम उम्र में काजोल ने फिल्म के पर्दे पे कदम रख दिया था। 1992 में फिल्म बेखुदी में ये नजर आई थीं, जिस फिल्म में इनके साथ थे कमल सदाना। फिल्म बेखुदी तो बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल ना दिखा पाई, पर काजोल के अभिनय की बहुत तारीफ हुई और 1993 में फिल्म आई अब्बास मस्तान की बाजीगर। इस फिल्म ने एक नहीं बल्कि 3 स्टार्स बना दिए थे, शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी और काजोल। मिस्टर डेविड, कुछ बोलूं आपसे? हाँ? आपका पहला इंटरेस्ट है यान, दूसरा इंटरेस्ट है यान डाइंग, और तीसरा इंटरेस्ट है यान एक्सपोर्ट। मेरा पहला इंटरेस्ट है ईश्वर, दूसरा इंटरेस्ट है प्रार्थना, और तीसरा इंटरेस्ट है सेवा। तो आप अपनी जिंदगी यान पर निछावर कीजिए और मैं अपनी जिंदगी ईश्वर पर निछावर करूंगी। काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी खूब जमी और फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद तो इनकी जोड़ी को राज कपूर और नरगिस की जोड़ी के समान माना जाने लगा था। फिल्म कुछ कुछ होता है रही हो या फिर दुश्मन, रोमांटिक रोल रहा हो या फिर ट्रेजिक, चुलबुली लड़की का किरदार रहा हो या फिर माँ का किरदार, सभी जगह काजोल ने यह साबित किया कि वो क्यों सबसे हट के अभिनेत्री हैं। ऑडिशन के लिए थोड़े ही दिन रह गए हैं, दिन रात रिहर्सल करने पड़ेंगे। एक तरफ इनका फिल्म करियर परवान चढ़ रहा था, इन्हें कई अवार्ड से नवाजा जा रहा था, और दूसरी तरफ इनकी जिंदगी में आए अजय देवगन। अजय देवगन जो खुद एक बड़े जबरदस्त एक्शन हीरो की इमेज लिए आए थे फिल्म इंडस्ट्री में और बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमा चुके थे, उनके साथ इनका संबंध आगे बढ़ा। इन दोनों का ये मानना रहा कि जैसा कि आमूमन प्रेमी प्रेमिका बातें करते हैं, इन्होंने कभी ऐसी बातें नहीं की। कभी आई लव यू या मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, इस तरह की गुफ्तगू हुई ही नहीं। धीरे धीरे नजदीकियां इतनी बढ़ी कि 24 फरवरी 1999 को इन्होंने शादी कर ली। शादी महाराष्ट्रियन तौर तरीकों से हुई थी। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि अरे इतनी बड़ी हीरोइन, अभी करियर इतना अच्छा चल रहा है, यह कोई वक्त है शादी करके सेटल होने का? पर काजोल अपनी राह पे चली, अजय देवगन ने इनका खूब साथ निभाया। तब ये बातें भी जोर शोर से की जा रही थीं कि शायद अब कभी काजोल फिल्मों में काम नहीं करेंगी। सन 2003 20 अप्रैल को काजोल ने अपनी बेटी नायसा को जन्म दिया और उसके 7 साल बाद 13 सितंबर सन 2010 में इन्होंने बेटे युग को जन्म दिया। परिवार के साथ वक्त बिताना, पति का साथ निभाना और साथ साथ फिल्मों में सशक्त अभिनय करना, यह कोई मामूली काम ना था।
चाहे वो फिल्म्स इन्होंने अजय देवगन के साथ की या फिर किसी और हीरो के साथ, हर फिल्म में इन्होंने अपना शत प्रतिशत दिया। I believe that whatever we show in our films today is a reflection of society as it is today. काजोल की बहन तनिषा मुखर्जी भी फिल्मों में आईं, पर वो कमाल ना दिखा पाईं जो इन्होंने दिखाया। इनकी कजन रानी मुखर्जी ने अपना एक अलग मकाम बनाया और वो इनके साथ फिल्म कुछ कुछ होता है में भी नजर आई थी। Yes. नए दौर की अभिनेत्रियों में काजोल एक ऐसी हीरोइन है जिन्हें संपूर्ण अभिनेत्री कहा जाता है। शाहरुख खान हो कि सलमान खान, आमिर खान हो या अजय देवगन, सभी के साथ इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में काजोल का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।